लखनऊ के निशातगंज के पुल से आप पुल की तरफ बढ़ेंगे, पुल से जैसे ही निशातगंज की तरफ बढ़ेंगे तो ये नजारा आपको दिखाई देगा जो हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ गाड़ियां और चारों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही एक साथ में, ना कोई ट्रैफिक संतुलन का पुलिसकर्मी और ना ही यहां पर कोई पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति जो जिम्मेदार व्यक्ति तैनात हो, ऐसा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं साफ पुल की तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, फिर जो अगला रास्ता ठीक नजर आ रहा है वहां से भी गाड़ियां आ रही हैं, सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं, बल्कि यहां सामने से गाड़ियां नहीं आनी चाहिए, एक पथ का रास्ता है, इधर से जानी चाहिए गाड़ियां, लेकिन वह आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, आओ जाओ भिड़ जाओ लड़ जाओ। ऐसी व्यवस्था देखकर क्या लगता है कि संतुलन बन पाएगा ट्रैफिक का? और यह नजारा लखनऊ के निशातगंज ठीक पुल के नीचे का नजारा है। जब आप महानगर की तरफ बढ़ेंगे, ये निशातगंज होते हुए ठीक पुल उतरेंगे, फिर आप महानगर की तरफ पहुंचेंगे, ये इलाका उससे पहले का है। और जिस तरीके का नजारा नजर आ रहा है उससे इस बात तो एक बात तो साफ स्पष्ट है कि लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है, जहां पर ना पुलिसकर्मी उपस्थित है ना जिम्मेदार कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, यानी कि आने जाने की गाड़ियां जिस तरीके से आपस में भिड़ रही हैं उसको राम भरोसे छोड़ दिया गया है कि आओ लड़ो भिड़ो और आपस में ही टकरा जाओ। क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था है, निश्चित रूप से अगर यही व्यवस्था बनी रहेगी तो इन व्यवस्थाओं के बीच में यातायात असंतुलित तो होना लाजमी है। जिस तरह का नजारा सामने नजर आ रहा है, इस तरह के नजारे लखनऊ में आपको कई जगह मिल जाएंगे, ये तो एक जगह की बात है। जब तक पुलिस जागेगी नहीं, व्यवस्था जागेगी नहीं, तब तक ऐसी अव्यवस्थाएं बनी रहेंगी। ये नजारा है निशातगंज के तरफ का। एक बात और है इसमें जान लीजिए कि अगर ये इस तरह के ट्रैफिक की व्यवस्था जाड़े में होगी, यानी ठंड में, जब कोहरे की धुंध सामने हो, इस तरह की कड़ाके की ठंड सामने हो और कोहरे का प्रकोप सामने हो, तब क्या हो? इसका मतलब साफ है कि अव्यवस्थाओं के बीच में आज के समय में गाड़ियां चलायमान है और ट्रैफिक जिस तरह से जाम लगता है उसका मुख्य कारण यही है, इस तरह की अव्यवस्था, ना कोई पुलिस वाला ना कोई संतुलित करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति। और ये पूरा नजारा है लखनऊ के निशातगंज का, यानी ये जो ये इस तरह के इलाके लखनऊ में आपको कई जगह मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत है व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ने की और पुलिस वालों की अपनी जिम्मेदारी समझने की, और कहीं ना कहीं नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।